बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज समवेत समागमनीय सत्संग प्रेमी वृंद, आज एक माह लगभग एक माह के उपरांत हम लोग पुनः इस भारत के पवित्र कॉलोनी में वसाहत में संत मत के सत्संग में एकत्रित हैं और विशेष दिवस पर एकत्रित हैं। ये जो सिलसिला चला आ रहा है इस बार अद्भुत है। पिछले तीन शनिवार किसी न किसी विशेष प्रसंग से जुड़े हुए थे। पहला जो था पूज्य भुजंगी बाबा की जयंती थी, उसके बाद दूसरे में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, और अभी जो पिछला हमने मंगोली में सत्संग किया उस दिन पुण्य तिथि थी देवी साहब की, बाबा देवी साहब की पुण्य तिथि थी। और आज दो संयोग, एक तो हमारा 70वां गणतंत्र दिवस, एक समय वो भी था जब गुरु महाराज के समय में कि सत्संग किया करते थे तो कई बार अंग्रेज सरकार के पुलिस अधिकारी पहुंच जाते थे टोह लेने के लिए, कभी कभी सताया भी करते थे, क्योंकि उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब बहुत से हमारे स्वतंत्रता सेनानी साधुओं का वेश बनाकर सत्संग के आयोजन करकर और उनके पीछे उनकी पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता आंदोलन चलाए गए थे। तो जब गुरु महाराज सत्संग करते थे तो कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस अधिकारी या उनके मुखबिर या जासूस सब आ जाते थे और पता करने कुछ सीधे सवाल करते थे कि आप क्या करते हैं। एक बार तो एक दारोगा जी आए, वो पूछे कि आप यहाँ पर क्या करते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि अभी थोड़ी देर में सत्संग होगा, बैठिए, आप खुद देख लीजिएगा कि हम लोग क्या करते हैं। और वो सत्संग में बैठे, पूरा सत्संग सुना उन्होंने गुरु महाराज का, और उसके बाद कहा कि जैसा आप करते हैं अगर वैसा सब जगह होने लगे तो फिर तो पूरी दुनिया में कोई किसी किस्म का कदाचार अत्याचार भ्रष्टाचार हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। तो वो जमाना था जब सत्संग करने के लिए भी उसकी राह में भी मुश्किलें आती थी। क्यों? क्योंकि तब हमारा राष्ट्र परतंत्र था। आज हम लोग स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, और इसलिए इतनी स्वच्छंदता से यहाँ पर सत्संग कर पाते हैं। आज 70 वर्ष पूरे हो गए भारत को गणतंत्र बने। एक स्वतंत्रता दिवस होता है जिसको अभी हमने पिछले 15 अगस्त को मनाया, 53 और 18 कितने हुए 47 में 53, 18, 71, 72वां स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं, और ये 70वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है बहुत से लोग हमारे नहीं जानते। हम लोग रहते हैं एक स्वतंत्र राष्ट्र में। एक बार कई वर्ष पहले एक टीवी चैनल ने हमारे राजनेताओं के इंटरव्यूज किए थे, और उसमें कई सांसद भी थे और कई विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, और जब उनसे यह प्रश्न किया गया तो अजीबोगरीब उत्तर आए थे। गणतंत्र दिवस वो दिन है जिस दिन से भारत का संविधान अमल में आया, उस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत वर्ष अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद जो हमारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने बैठ के और बड़ी मेहनत के बाद एक संविधान हमारे लिए तैयार किया जिसे अडॉप्ट किया गया था नवंबर 1949 में, लेकिन वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। इसलिए आज उस दिन को
69 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 70वां गणतंत्र दिवस अथवा मराठी में क्या कहते हैं, प्रजासत्ताक दिन, ये है। तो इस गणतंत्र दिवस की आप सबों को बहुत बहुत शुभेच्छा। प्रश्न यह एक छोटा सा हमारे सामने आता है कि जब भारत स्वतंत्र हो ही चुका था तो इस गणतंत्र दिवस के आने की क्या आवश्यकता। स्वाधीनता तो हमने अर्जित कर ली थी, हम एक मुक्त राष्ट्र बन गए थे, फिर ये गणतंत्र दिवस क्यों? इसका उत्तर था कि स्वतंत्रता जो है उस स्वतंत्रता का हम सही तरीके से उपयोग कर सकें। जो स्वतंत्र हमारा राष्ट्र है उसमें सुतंत्र भी रह सके। स्वराज्य तो हमने प्राप्त कर लिया लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि अभी भी सुराज्य नहीं है। हमारी हमारे स्वाधीनता संग्राम के जो सबसे प्रमुख सेनानी जिन्होंने नेतृत्व किया और इतनी कुशलता से किया कि बिना कहते कि बेदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, अहिंसा के पुजारी, और उन्होंने हमें हिंसक लोगों से मुक्ति दिलाई। अंग्रेजों को विवश होकर ये राष्ट्र छोड़कर जाना पड़ा। तो महात्मा गांधी के हृदय में क्या कल्पना थी जब वो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया करते थे? तो वो कहते थे कि मेरे हृदय में मेरे मन में एक राम राज्य की कल्पना कि स्वतंत्र भारत वर्ष कैसा हो। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि राम राज्य स्थापित हो भारत में। और राम राज्य की क्या विशेषता थी, क्यों महात्मा गांधी राम राज्य लाना चाहते थे? तो राम राज्य के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहो ही रहा। भगवान श्री राम का शासन ऐसा था कि वहां पर दैहिक दैविक और भौतिक इन तीनों में से किसी प्रकार का कोई कष्ट उनकी जनता में किसी को नहीं था। इतना सुंदर राज्य। दैहिक ताप मतलब कि हमारे शरीर में जो कष्ट होते हैं, कोई हमें बीमारी हो जाती है, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, हमें हमारे शरीर में जो कष्ट उत्पन्न होते हैं, ताप होता है, उसे कहते हैं दैहिक ताप। और भौतिक ताप किसे कहते हैं? जो किसी अन्य भूत अर्थात प्राणी के द्वारा अगर हमें कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, तो उसे कहते हैं भौतिक ताप। जैसे बिच्छू काट ले, सांप काट ले, मच्छर काट ले, ये इन सब से देखिए ना, मामूली एक मच्छर तो दिखने में छोटा सा प्राणी है लेकिन उसके चलते कितने प्रकार की बीमारी। पहले सिर्फ एक मलेरिया होता था और अब देखिए क्या क्या हो गया है, डेंगू, बहुत सारे कितने तरह के ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं, एक मच्छर कितने डिजीजेस का कैरियर बन गया है। तो जो भूतों के दूसरे प्राणियों के चलते जो कष्ट होते हैं उन्हें कहते हैं भौतिक ताप। और दैविक ताप जहाँ दैवी आपदाएं आ गई हैं, जैसे कल हमने देखा बाहर शाम में निकले थे, हमारी कॉलोनी में ही दुकान है, वहां किराने का सामान खरीदने, और खरीदते खरीदते अचानक अकस्मात इतनी तेज आंधी आई, इतनी तेज आंधी आई लगा कि सब कुछ उड़ जाएगा। बेचारा एक सामने सड़क के उस ओर गरीब खोमचे पर ठेले पर बड़ा ठेला था, उस पर पानी पूरी इत्यादि बेच रहा था, और अचानक ऐसी आंधी आई कि वो पकड़ पकड़ रहा है जोर से, पूरी ताकत लगा के अपने ठेले को, तो ठेले के साथ उसको भी हवा खींच कर बहाने लगी। डर से उसने छोड़ दिया और ठेले को यहां से कुछ मीटर हवा ने फेंका और यूं पड़ गया सारा सामान बिगाड़े का उसके अंदर में, गोलगप्पे और जितने पानी मसाले और कांच भी फूट टूट गए, पूरी उन पूरा उसका ठेला क्षतिग्रस्त। जब भूकंप आता है, तूफान, सुनामी, ऐसे जो दैवी आपदाएं होती हैं, इन्हें कहते हैं दैविक ताप। इन तीनों में से किसी प्रकार का कोई कष्ट भगवान श्री राम के राज्य में, उनकी प्रजा में से किसी को नहीं होता था। तो
तो गांधी जी जो हमारे राष्ट्र के लिए उन्होंने जो स्वराज्य की कल्पना की थी उसमें वो राम राज्य चाहते, लेकिन जो स्वतंत्रता अनरिस्ट्रिक्टेड हो, उस पर अबाधित हो, किसी तरह का कोई नियंत्रण ना हो, तो वही स्वच्छंदता कब बिगड़ के और अनाचार में परिवर्तित हो जाती है इसका ठिकाना नहीं। इसलिए हमारे यहां देखिए जब संविधान बना तो उसमें मूलभूत अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट, उसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कई सारी हमारी राइट्स हैं, मूलभूत अधिकार हैं, उसमें से एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्या यह स्वतंत्रता पूर्ण है क्या? तो क्या नहीं, उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर हमारी अभिव्यक्ति के चलते किसी दूसरे को कष्ट पहुंचता है या राष्ट्र पर कोई आपदा आती है तो उस समय हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, या फिर हमारी न्यायपालिका है, उसे अधिकार है हमें दंडित करने का। तो ये गणतंत्र यानी संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ये हमारा जो शासन है ये सुचारू ढंग से चल सके, कुछ विधान की सीमाओं के अंदर इसे चलाया जा सके। ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी लागू होता है। अगर हम पूरी तरह से जैसा मन कहे वैसा करने लगे तब हमारी क्या दशा होगी? कबीर साहब ने कहा है, निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंध हो गए। जो निर्बंध रहता है, अपने ऊपर किसी किस्म का कोई बंधन नहीं रखता है, कोई अनुशासन नहीं मानता है, तो उसका जीवन कैसा हो जाता है? उसका जीवन विक्षिप्तों का सा जीवन हो जाता है। जो मर्जी कर रहे हैं, पागलों की तरह नाच रहे हैं, जो नहीं खाने का खा रहे हैं, जहां नहीं जाने का जा रहे हैं, जब सोने का तब जग रहे हैं, जब जगने का तब सो रहे हैं, वैसा व्यक्ति क्या होगा? रुग्ण होगा, खुद कष्ट पाएगा और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाएगा। तो इसलिए जीवन में एक अनुशासन का होना, नियमबद्धता का होना आवश्यक है। किसी भी लक्ष्य को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं है, आज हमारे सामने किसी भी क्षेत्र में जो बहुत कुशल लोग दिखते हैं, जिन्होंने सफलता की उत्तुंग ऊंचाइयों को छुआ है, उनके जीवन को देखेंगे ना तो पता चलेगा कि उसके पीछे उनका कठोर तप है। आज भी अनुशासन है, देखिए आज हम लोग मैच देखते हैं, अभी वनडे हुआ, हाँ क्यों जीता, इंडिया जीता, कैसा हुआ? अरे विराट कोहली तो शानदार खेलता है, उसकी उनके फैंस बहुत हो गए, लेकिन विराट कोहली को विराट कोहली बनने के पीछे कितना त्याग, कितना तप, कितना परिश्रम करना पड़ा, इसकी ओर कोई नहीं जानता है। पिछली बार जो हमने एक कथा सुनाई थी, कहानी, एक बार पिकासो के पास एक महिला चली गई और बोली, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरी कुछ तो ऐसी मदद करिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं मुझे कुछ मिल जाए। तो उन्होंने देखा इनकी और जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उस पर जल्दी 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 पेन से कुछ बना दिया और बोला, ले जाओ और इसे फलां जगह पे जाकर बेच देना, तुमको कई हजार डॉलर मिलेंगे, उससे तुम्हारा जीवन सुख से चलेगा। ये गई, क्या ऐसा दो मिनट में, पांच मिनट में इन्होंने बना दिया और इससे हजार डॉलर? परीक्षा करने गई और जहां सच में विक्रय करने गई तो हजार डॉलर। वापस आई, बोला मुझे भी सिखाइए, जो पांच मिनट में आपने ऐसा 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 करके बना दिया, मैं भी सीखना चाहती हूँ ताकि मैं ऐसे कई हजार डॉलर कमा सकूं। तो पिकासो ने उनकी ओर देखा और हंसे, कहा कि जो पांच मिनट में ऐसे 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 करके मैंने बना दिया, उस योग्यता को प्राप्त करने में मेरी 30 वर्षों की साधना है। खड़े होकर और बॉलर कैसी भी गेंद फेंकता है और उसे चौके और छक्के में परिणत कर देता, जो खिलाड़ी हमें दिखता है उसके पीछे उसका त्याग, उसका तप, उसका परिश्रम कितना है, ये हम नहीं देखते। आज हम होटल में जाते हैं और जो मर्जी खा लेते हैं। आशीष नेहरा ने कहा कि सबसे बोरिंग काम है विराट कोहली के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाना,
न मिठाई खाता है, न कोई चटपटी चीज खाता है, न कोई मसालेदार सब्जी मंगाता है। इट्स सो बोरिंग। और देखिए अभी अभी कुछ महीनों पहले न्यूज आया, पहले उन्होंने हमेशा हार को छोड़ा, मांसाहार का त्याग किया, और अब तो उससे भी एक कदम आगे बढ़कर शाकाहार से भी वेजिटेरियन से अब वो वेगन बन गए। 4 महीने से अधिक हो गए नाउ इज अ वेगन, VEGAN। ये वेगन क्या होता है? तो जो किसी भी प्रकार का जो एनिमल प्रोडक्ट होता है, पशु उत्पाद, उसको नहीं लेना है। पशु उत्पाद मतलब दूध दही या उससे बनने वाले कोई भी पदार्थ, वो भी नहीं, सिर्फ वेजिटेबल्स या वेजिटेरियन, साग सब्जी और फल। और उनसे पूछिए कि आपने तो पहले मांस मछली अंडे छोड़ दिए, और उसके बाद दूध दही पनीर और ये सब भी छोड़ दिया, मलाई मक्खन भी छोड़ दी, तो अब आपको कैसे शक्ति मिलती है? कहते नाउ आई फील इवन मोर एनर्जेटिक देन आई यूज्ड टू 4 months अगो। पूरा कभी आइसक्रीम चखे जमाना हो गया वो। और 4-4 घंटे रोज सुबह में वर्जिश, जैसे वेट लिफ्टर्स उठाते वैसे जिम में जाकर ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेज जो कि एक सामान्य क्रिकेटर को करने की जरूरत नहीं है, रोज 4 घंटे सुबह उठकर जाकर पसीना बहाना, और तब जाकर ऐसे वर्षों तक की मेहनत करने के बाद वो अगर चाहेंगे चलो ना कल मैच है आज जाके नाइट शो मूवी देख कर आते ना, उसके बाद पार्टी करते 4 बजे सोएंगे 5 बजे और सुबह 8 बजे से मैच है तो होगा क्या? बंधन। यदि हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने ऊपर पर्याप्त अंकुश रखना आवश्यक है। और ये जो अध्यात्म हम लोग यहाँ सत्संग में एकत्रित हुए हैं तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि हमारी रुचि अध्यात्म क्षेत्र में है, तभी तो यहाँ पर आए, नहीं तो इस ठंड में आकर यहाँ बैठने में कोई मतलब नहीं है। घर में बैठ के आराम से सुकून के साथ अपने शॉल ओढ़ कर और बढ़िया टीवी देखते हुए कुछ साथ में भजिए वगैरह देख राणा भाभी एकदम कुछ तो भजिए खाते हुए जो है हम लोग और टीवी शोज देख सकते थे, लेकिन उसको छोड़कर यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में एक ऐसी अभिलाषा है क्या? तो हम इस सुख दुख के चक्र से, आवागमन के चक्र से सदा के लिए छूटना चाहते, और जब हम ऐसा चाहते हैं तो हमें उनकी राह पर चलना होगा। जैसे कोई अगर बहुत बढ़िया बल्लेबाज बनना चाहे तो उसे उसकी राह पर चलना पड़ेगा जिस राह पर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा इत्यादि चले हैं। वैसे ही यदि हमें आध्यात्मिक पिपासा है तो हमें उनकी राह पर चलना पड़ेगा जो इस क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात संत सदगुरुओं की बताई हुई राह पर चलना होगा। आज का दिन जो है, मैंने कहा 2 संयोग हैं, तो आज गणतंत्र दिवस होने के साथ साथ हमारे पूज्य परम पूज्य गुरु महाराज महर्षि मही परमहंस जी के वरिष्ठतम शिष्यों में से एक, सबसे उम्र दराज शिष्य उनके जो पूज्य श्रीधर बाबा थे, उनकी आज पुण्यतिथि है। पूज्य स्वरूपानंद बाबा ने फेसबुक पर पोस्ट डाला था, तो पूज्य श्रीधर बाबा जो कि लगभग गुरु महाराज के हम उम्र ही थे, ठीक से उनके जन्म का वर्ष तो ज्ञात नहीं है, जो श्रद्धेय सच्चिदानंद बाबा ने लिखा है उनकी जीवनी में उसमें लिखा है कि माना जाता है करीब 1889 के आसपास किसी महीने में उनका जन्म हुआ था। और हमारे गुरु महाराज का जन्म 1885 में, तो मात्र 4 वर्षों का फर्क। वो समस्तीपुर बिहार में एक जिला है, वहाँ ही लगमा नाम का गांव, वहाँ पैदा हुए, क्षत्रिय वंश में पैदा हुए। इनके जो वंशज थे उनको कहते थे भरसुरिया क्षत्रिय। उसके पीछे भी बड़ी मनोरंजक कथा है, रोचक कथा है। कहते हैं कि इनके जिस गांव में, ये लगमा गांव में थे और इनके आसपास में 6 और, ये 7 गांव जो है ना लगभग, उनमें क्षत्रियों का बहुत अधिक बोलबाला था और सभी भरसुरिया क्षत्रिय। ये भरसुरिया क्षत्रिय का क्या इतिहास था? कहते हैं राजपुताना राजस्थान से 2 क्षत्रिय आए थे,
आकर बस गए थे, वहीं सिंधिया गांव इनके बगल में था, रह गए थे। और वहां पर राजा भर का राज्य चलता था। तो कहते हैं एक बार एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को डोली में बिठाकर ले जा रहे थे, संभवतः उनकी पत्नी सुंदरी रही होंगी, और ये राजा भर ने अपनी सैनिकों अपने सैनिकों को भेजा और बोला उस डोली में से उसकी पत्नी को उतार कर ले आओ। और ब्राह्मण से बलपूर्वक इनके सैनिकों ने उनकी पत्नी को छीन कर और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। इधर वो ब्राह्मण देवता भागे भागे अपना दुखड़ा लेकर इन दोनों क्षत्रियों के पास आए, क्षत्रिय बंधुओं के पास, कि हमारी रक्षा कीजिए। ये दोनों इतने क्रोधित हुए कि वहीं से चले और जाकर राजा को मार दिया और उनकी सेना को मार भगाया और उनकी पत्नी को सुरक्षित लाकर ब्राह्मण देव के हवाले कर दिया। तो तब से उनका नाम पड़ गया भर सूर्या, मतलब भर पर, राजा भर नाम था उनका, भर पर जिसने शौर्य का प्रदर्शन किया हो वो भर सूर्या क्षत्रिय। तो उसी वंश में ये पैदा हुए थे। इनके माता पिता भी बड़े ही धर्मपरायण थे और ये बचपन में ही भजन गाया करते थे, आज मेरे घर संत आएंगे, सदगुरु आएंगे, सुदामा के घर कृष्ण आए, और गाते गाते रोने लगे। इनके गांव के आसपास के भी कई गांवों में चौथी कक्षा से ऊपर के विद्यालय ही नहीं थे उस समय, तो इनकी जो शिक्षा थी चौथी कक्षा तक ही ऊपर, उसके आगे पढ़ने का कुछ नहीं था। लेकिन पठन पाठन में इनकी इतनी रुचि थी कि बाद में भी बहुत दिनों तक ये अध्यापन करके ही कमाते थे, लोगों को पढ़ाया करते, बच्चों को पढ़ाया करते थे। करीब 15-16 वर्ष के हुए तो कहते हैं इनके मन में एक बार इच्छा हुई कि देशाटन किया जाए, पूरे संसार हर भरे देश भर में घूमा जाए। तो घूमने और अंदर में जो इनके अंदर में स्वावलंबी होने का स्वाभिमान भी बहुत तीव्र था भाव, किसी भी किस्म पर दूसरों की परमुखापेक्षी नहीं बनूंगा, दूसरों का दिया हुआ उस पर मैं अपने को अवलंबित नहीं रखूंगा। और घूमना भी है तो क्या करेंगे, कैसे घूमेंगे, कैसे खाएंगे? तो कहते हैं कि दिन भर रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे और उससे जो पैसा मिलता था उससे खाना खाते थे और टिकट कटाकर घूमते थे। मतलब इतना इनके अंदर में स्वावलंबी जीवन बिताने की जो इनका दृढ़ निश्चय था। और एक बार इनको करीब 1920 ईस्वी में गुरु महाराज इनके पास के गांव में पधारे थे, उनके पास गए, दर्शन किया, और फिर इतना इनका मन आ गया उन पर, इतना मन लगने लगा कि कहीं दूर दूसरे गांव में ये नौकरी करते थे और इनके अंदर में तीव्र अभिलाषा होगी। गुरु महाराज उस समय सिकलीगढ़ का रह रहा है, भागलपुर से कुछ दूर पर, दूरी पर, वहाँ पर वो आश्रम में रहा करते थे गुरु महाराज। तो इनको लगता था कि मैं भी इनके साथ रहूँ, इनके आसपास रहूँ। तो जिनके यहाँ ये नौकरी करते थे उन मारवाड़ी जी की, उनका एक और उनकी जो धंधा उनकी आड़त जो है सिकलीगढ़ धरहरा में थी, और ऐसी गुरु कृपा हुई कि उन्होंने इनका ट्रांसफर वहाँ कर दिया कि तुम वहाँ का धंधा देखो। और वहाँ गए तो पास के आश्रम में गुरु महाराज वहाँ जाकर उनके साथ सत्संग करने लगे। करते करते अंतर में दीक्षा लेने की इच्छा प्रबल हो गई और 1928 ईस्वी में ये तीनों का अभ्यास करते करते, और अगर बताते हैं कि दृष्टि साधन में मेरी कुछ प्रगति हो रही है, अपने अनुभव अपने दीक्षा गुरु को बतलाते हैं, तब उसके आगे की जो चौथी सीढ़ी है जिसे नादानुसंधान या सुरत शब्द योग कहते हैं, उसकी दीक्षा मिलती है। और कहते हैं गुरु महाराज ने इनको एक ही बार में चारों चीजों की दीक्षा दी, नादानुसंधान के साथ नहीं इनको सिखाया। और उसके बाद बहुत कर्मठ, इतने मेहनती थे। एक बार कहते हैं गुरु महाराज को एक जगह सत्संग करना था और वहां पर लाउड स्पीकर उपलब्ध नहीं था, आसपास में कहीं देखिए कैसा जमाना था, अभी तो इको के साथ आवाज जा रही है आपके पास में, और उस समय साधारण लाउड स्पीकर भी नहीं मिला, लाउड स्पीकर कौन जाएगा। इन्होंने कहा मैं जाऊंगा, गुरु महाराज के हाँ आप जा सकते हैं। 38 मील मतलब लगभग 60 किलोमीटर पैदल चलते हुए गए, वहां पर जाकर लाउड स्पीकर लिया, रात में रुके और अगले सुबह फिर से लाउड स्पीकर उठाकर पूरे सिस्टम के साथ में वापस आया। कई बीघे हम लोगों ने पिछले साल हम लोग गए थे गर्मी में सिकलीगढ़ धरहरा, तो देखा कई बीघे जमीन में अपनी मेहनत से
इधर कुदाल, इधर खुरपी, इधर डंडा सब लेकर जाते थे और बीघे का बीघा खेत जोत डालता। कितने सारे वृक्ष लगाए, फसलें लगाई। तो इन्होंने हमारे सामने आदर्श कैसा रखा कि हम क्या समझते हैं कि जो साधु होते हैं वो संसार को छोड़कर पलायन करने वाले होते हैं। कुछ लोग तो इसलिए भी नहीं कहते, मत जाओ उनके सत्संग में, बोले साधु वाधु बना देंगे और फालतू तुम सब घर बार संसार छूट जाएगा। नहीं, ये आदर्श नहीं है। आदर्श ये है कि संसार के सारे कार्य, अभी आपने सुना, आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, स्वतंत्रता दिवस, और बाहर आए तो स्वतंत्रता मनाई और आज गणतंत्र दिवस मनाए। कहते आओ वीरों मर्द बनो, मर्द मतो मनो मतलब मेल नहीं, पुरुषार्थ दिखाओ, और जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डरना। ये जो युद्ध क्षेत्र है, समर क्षेत्र है, ये कहा, इसमें युद्ध किसके साथ है? भगा किसी और के साथ नहीं, अपने मन के साथ। मन निग्रह, मनोनिग्रह सबसे कठिन चुनौती है। महावीर जी जो वर्तमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक हुए, उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया को एक बार हरा लेना संभव है, लेकिन अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेना बहुत मुश्किल, बहुत दुष्कर कार्य है। जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। अब देखिए ना, छोटी छोटी चीजों में हम मन के हाथों कैसे हार जाते हैं। जो चीज हमारे लेने योग्य नहीं है, मना किया हुआ है कि तुम्हारे लिए ये जहर है, नुकसान करेगा, और जब वो सामने आती है तो हमारा संकल्प कैसा डिगने लगता है। एक बार खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दवा जो एक दीदी डॉक्टर ने दो ले लेंगे, फिर दूसरे भी थोड़ा भी खा लीजिए ना, कुछ नहीं होता, प्रसाद है और फिर देखिए ये कितना, कितने दुर्बल हैं हम लोग, मन के हाथों हार जाते हैं। पूरी दुनिया से भी घर बार छोड़कर कोई काम चलेगा भी नहीं। कबीर साहब ने कहा है कि क्या कहते हैं, अवधू भूले को घर लावे तो है ही, और एक बोलते हैं कि यहाँ घर छोड़ के अगर कोई जंगल में चला जाए, वो पंक्ति मुझे नहीं याद आ रही है, जंगल जाए जो भी दुनिया रमई ले, और काम जराई जो जो भी बन गई ले हिजो, मन में रंगाए जोगी कपड़ा, कपड़ा बढ़िया बढ़ाए जोगी बन गए कपड़ा। कहते ये सब वेश धारण करने से नहीं होता है कि हमने दाढ़ी बढ़ा ली, जटाएं बढ़ा ली, एक खास रंग का वस्त्र धारण कर लिया, कोई आई तो एकदम दूर 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 दूर। कहते हैं कि अगर जंगल में जाकर भूमि रमा ली और कामनाओं पर विजय प्राप्त की नहीं, कामनाओं से भाग रहे हैं, काम पर विजय नहीं है, काम से भाग कर और दिखावा कर रहे हैं कि मैं काम से दूर हूं, तो नपुंसक हिजड़ा कह दे। विजय तो वहां है कि सामने प्रलोभन है और तब मन जरा भी विचलित न हो, वो मनोजयी है ना। तो इसके लिए कोई घर बार रोजगार कारोबार छोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी भी जाकर देख सकते हैं कि जो परंपरा पूज्य श्रीधर बाबा ने स्थापित की वो आज भी बरसपुर पहन है। गेरुआ वस्त्र पहने सन्यासी हाथ में फौड़े लिए हुए आपको जाकर खेत में कुदाल चलाते हुए देखेंगे, अपने से कई एकड़ में वो धान की खेती करते हैं, गेहूं उपजाते हैं उनके हाथों में। इसलिए ये जो क्षेत्र है ये पलायन का क्षेत्र नहीं। ये भी हमने भगवान श्री कृष्ण का गीता में उपदेश सुना, वो भागने को छोड़ने को कहते हैं, लेकिन क्या छोड़ने को कहते हैं? सब कुछ सुनाकर और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैं तुम्हें गुह्यतम उपदेश सुना रहा हूं, धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष ये श्याम मा शुच। कहते हैं हे अर्जुन, क्या करो तो सब धर्मों का परित्याग करके एक मेरी शरण, एक की शरण, मेरी शरण में आ जाओ, और फिर
मैं तुम्हें सब पापों से अहम का सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, उससे मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो माशुच। तो तभी हमने उस पाठ के दौरान कहा था कि सोचिए कि ये कृष्ण भगवान जब ये महावाक्य अर्जुन को कह रहे हैं तो वो द्वापर युग था, उस समय न बौद्ध धर्म था, न जैन धर्म था, न ईसाई धर्म था, न इस्लाम था, न सिख था। जितने धर्म हम मुख्य धर्म अपने इर्द गिर्द देखते हैं और उनके बारे में जानते हैं, उनमें से कोई धर्म उस समय था ही नहीं। और यहाँ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ। तो वो कौन से धर्म थे जिनको छोड़ने की बात करते हैं? जब कोई ऐसा मुख्य प्रचलित धर्म है ही नहीं, तो वैदिक धर्म तो था, उस वैदिक धर्म में सनातन धर्म में वो पहले से ही था अर्जुन, तो अब किसे छोड़े, कौन से धर्म छोड़े? तो यहीं पर रहस्य है, भागना नहीं है। धर्म को छोड़ना मतलब क्या होता है? तो धर्म का जो अर्थ होता है ना, वो बहुत व्यापक, धर्म बहुत व्यापक शब्द है। कहते हैं ये बच्चा है, 10 बज गए रात के, 9 बज गए और वो बाहर खेल रहा है, सड़क पर घूम रहा है, 11 बजे रात में आराम से घर में आता है और पिता उन्हें एक शब्द नहीं कहते, तो उनके जो मित्र हैं या पड़ोसी हैं क्या कहते हैं कि मित्र तुम पितृ धर्म का, पिता के धर्म का सही तरीके से पालन नहीं करते। कहते हैं शिक्षक है, अभी देखिए आज का जो ये सत्संग का आयोजन है, हमारे बीच में एक युवा शिक्षिका प्रोफेसर पूजा हमारे सत्संगी हैं, मुख्तार जी, आदरणीय मुख्तार जी, उनकी सुपुत्री पूजा जी ने आज के इस यज्ञ का, ज्ञान यज्ञ का यजमान बनना स्वीकार किया है। तो शिक्षिका है ना, शिक्षक, अब वो शिक्षिका हैं और घंटी बज गई, बेल बज गई क्लास की, और वो क्लास जानबूझकर टाइम पास करते हुए 10-15 मिनट के बाद कक्षा में प्रवेश करे, उसके बाद 15-20 मिनट इधर उधर की बातें करना, अटेंडेंस लेना, 50 मिनट की पीरियड है, 30-40 मिनट ऐसे ही पास कर दिए, 10-15 मिनट पढ़ाया और निकल के आ गए। तो क्या कहेंगे कि आप शिक्षक धर्म के साथ न्याय नहीं कर रहे? एक डॉक्टर है, उसके पास बेचारा एक दर्द से कराहता परेशान निर्धन मरीज पहुंचता है और वो उसे लूटने की योजना बनाता है, जहाँ एक दवा से काम चलता है वहाँ 5 दवाएं लिखता है, अपने यहाँ जब एडमिशन की जरूरत नहीं है तो भी अपने नर्सिंग होम की एक बेड खाली पड़ी हुई है इसलिए उसको एडमिट कर लेता है, और इधर से इंजेक्शन लिखता है और उधर से उसके उसी की दुकान में वापस इंजेक्शन जमा हो जाती है। तो उसको देखकर हम क्या कहते हैं कि ये डॉक्टर के, चिकित्सक के धर्म का पालन नहीं। जिसे हम सचमुच में भी धर्म कहते हैं वो धर्म कौन सा धर्म है? जैसे हम कहते हैं कि ये मुसलमान है तो कौन से धर्म में है, किस धर्म का अनुयायी है? तो इस्लाम का अनुयायी है। वो इस्लाम सच में इस्लाम धर्म में है कि नहीं, ये किस किस बात से इसका निर्धारण होगा? कैसे हम कहेंगे कि वो सच्चा मुसलमान है या नहीं, या वो सच्चा सनातन धर्मी है या नहीं? तो हर एक धर्म के कुछ नियम हैं। अगर मुसलमान है और 5 वक्ती नमाज अदा नहीं करता है, 5 वक्तों की नमाज अदा नहीं करता है, उनके अंदर और जो करता है, जो मुसलमानों के लिए निश्चित विधान है, उन सब कर्मों का वो पालन नहीं करता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये सिर्फ दिखावे का मुसलमान है, असल में इस्लाम धर्म का पालन नहीं करता। हम अपने को वैदिक धर्मावलंबी कहते हैं और हमारा वेद कहता है कि इस पूरी सृष्टि का एकमेव परमात्मा है और उसकी प्राप्ति हमारे अंदर में होगी और ये मनुष्य जन्म हमें उसी को प्राप्त करने के लिए मिला है, और हम ऐसा मनुष्य जन्म पाकर सब कुछ जानते बूझते हुए भी सिर्फ वही नहीं करते हैं और बाकी शेष सभी कार्य करते रहते हैं, न त्रयकाल संध्या करते हैं, न ईश्वरोपासना करते हैं, न अपने को जानने की चेष्टा करते हैं, तो हमारे बारे में क्या कहा जाएगा?
कि सिर्फ फॉर्म में भरने के लिए या टीका लगाकर दिखाने के लिए हम वैदिक धर्मावलंबी हैं, सच में हम नहीं हैं। तो वैदिक धर्मावलंबी या मुसलमान कौन होगा जो उसके लिए पहले से निर्धारित कर्म हैं उन कर्मों का अगर वो पालन करता है तब वो उस धर्म का है, अन्यथा नहीं है। अर्थात ये बौद्ध धर्म भी है। अब देखिए ना, बुद्ध भगवान उनके जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कही जाए जो हमारी सामान्य दैनंदिनी है तो क्या है, बुद्ध भगवान जब इस धरती पर आए तो उस समय कहां कौन से धर्म में उनका जन्म हुआ था? सनातन धर्म में। और उन्होंने अपने जीवन में एक शब्द ऐसा कहा हो कि नहीं मैं सनातन धर्म ही नहीं, मेरे पीछे एक नया धर्म शुरू करो, बौद्ध धर्म शुरू कर दो, कहीं नहीं मिलेगा, एक वाक्य नहीं दिखा सकते। गुरु नानक ने कभी नहीं कहा कि मेरे पीछे सिख धर्म चलाओ, महावीर ने कभी नहीं कहा कि मेरे पीछे जैन धर्म चलाओ। वो तो उस समय समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी उन्होंने उन पर प्रहार किया। उस समय जो हमारा सनातन धर्म था उसमें बहुत सारी कुरीतियां घुस गई थी और कर्म कांड इतना जोर मार रहा था कि इसको बुखार हो गया, नहीं छूट रहा है तो चलो एक बकरे की बलि दे दो। जान तो जीवों की इतनी सस्ती हो गई थी, बात बात पर बलियां दी जाती थी। और बुद्ध भगवान आए तो उन्होंने देखा कि पाप रे पाप, इतनी कुप्रथाएं, इतना बिगड़ विभत्स विकृत हो चुका है हमारा धर्म। उन्होंने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ा और क्या एक नारा दिया, अहिंसा परमो धर्म। सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा। और अहिंसा किसी भी जीव को कष्ट देना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में से किसी प्रकार से किसी जीव को अगर हम मन में किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वो भी हिंसा है, मानसिक हिंसा। सही तौर पर अहिंसक आप तभी बनेंगे जब आपके हृदय में भी किसी के प्रति कोई विद्वेषकारी भावना न उत्पन्न। भगवान बुद्ध ने हिंसा के खिलाफ युद्ध किया। कहते हैं एक बार लोग चले जा रहे थे, बहुत सारे भेड़ों को मेमनों को हाके चले जा रहे हैं। इन्होंने देखा कहाँ जा रहे हैं आप लोग, तो बोले अमुक राजा के यहाँ जा रहे हैं। तो बोले आप जा रहे हैं और ये भेड़े क्यों जा रही है? तो बोले उनके यहाँ महायज्ञ होने वाला है, बहुत सारे हजारों पशुओं की बलि दी जाएगी। और उन्हीं में एक छोटा सा मेमना था, भेड़ का बच्चा, जो कि चल भी नहीं पा रहा था, ठीक से लंगड़ा कर चलता था। इन्होंने उसको उठाया और अपने कंधे पर रख लिया और बोले चलो मैं भी चलता हूँ राजा के पास। राजा के पास गए और बोला कि क्या है? पिछली बार हमने बाबा जगी साहब की कथा सुनी थी ना, उनके जीवन से छोटे बच्चे थे और सामने गए तो लोग एक बकरे को रस्सी में बांध के नहला के उसको टीका लगा के बगल में तलवार बैठी। पूछा लोगों से कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं? तो ये बकरे को मारने जा रहे हैं, क्यों मारने जा रहे हैं? तो बोला ये बच्चा बहुत दिनों से बीमार है, इसका रोग ठीक ही नहीं होता है, इसलिए फलाने पंडित जी ने बताया कि अगर एक बकरे की बलि दोगे तो इसका रोग दूर हो जाएगा। 6 वर्ष के बालक पे इन्होंने कहा कि हमने तो सुना है कि रोग पाप के चलते आते हैं, तो हमने कुछ पाप किए जिसके चलते रोग हुआ, और इतना बड़ा और एक महापाप करके रोग कैसे दूर हो जाएगा? राजन के पास पूछा ये निरीह निर्दोष जो बोल नहीं सकते ऐसे प्राणियों की हत्या करके राजन आप क्या लेना चाहते हो? इनका मांस चढ़ाने से देवी खुश होती है तुम्हारी, तो इस मेमने के बराबर जितना वजन है उतना मेरे शरीर से निकाल लो, मांस निकाल लो, रक्त और चढ़ा दो। इनके वचन में क्योंकि आचरण भी था ना, मैं बोलूंगा प्रभाव उतना नहीं होगा, लेकिन जो उसको अपना आचरण बना चुके महापुरुष होते हैं उनकी वाणी का जो प्रभाव होता है वो एक अलग होता है, उसमें दिव्यता होती है। राजा ने सारे पशुओं को स्वतंत्र कर दिया और इनके चरणों पर गिरकर वो भी उन्होंने भी इनके उपदेश को स्वीकार कर लिया। तो जिन बुद्ध भगवान ने जीवन पर्यंत हिंसा के खिलाफ संघर्ष किया आज उसी धर्म को अपनाकर और हम काटते जाने में जीवों को तनिक संकोच नहीं होता, हमें हमारे हाथ नहीं कांपते और फिर हम अपने को बौद्ध धर्मी कहते हैं तो कौन माने? कोई मान ले बुद्ध भगवान तो कभी नहीं माने। तो अर्थात
सब धर्म जो है उस धर्म के अनुयायी अगर हम बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो निर्धारित कर्म है उन कर्मों को करेंगे तब हम उस धर्म के अनुयायी कहलाएंगे। तो दूत अगर संसार की दृष्टि से देखा जाए तो जैसा हमने कहा डॉक्टर का धर्म है ना, शिक्षक का धर्म, पिता का धर्म, माता का धर्म, ऐसे समाप्त प्रबंधक महोदय का धर्म, हर के एक धर्म होते हैं, उनके धर्म उनके कर्म से निर्धारित होते हैं। और जिसे हम विधिवत धर्म मानते हैं फॉर्मल सेंस में, वो धर्म भी असल में वैदिक धर्म क्या है, इस्लाम धर्म क्या है, अगर कुछ निर्धारित नियमावलियां हैं, अगर क्रिश्चियन है और उनके 10 कमांडमेंट्स को नहीं मानते जीसस क्राइस्ट, कहते हैं इन व्हाट वे आई एम क्राइस्ट सॉरी क्रिश्चियन, कैसे हूं। तो कर्म ही धर्म का निर्धारण। गुरु महाराज ने गीता श्रीमद् भगवद गीता पर जो टिप्पणी टीका लिखी है उसमें लिखा है कि कर्मों से ही धर्म होते हैं और यदि हम कर्म छोड़ दें तो धर्म स्वतः छूट जाएंगे। सब धर्मों को छोड़ दो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, सब धर्मों में वैदिक धर्म भी आता है। कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, एक की शरण में आ जाओ, मेरी एक की शरण में, सब धर्म को छोड़कर। सब धर्म धर्म कर्मों से होते हैं, अर्थात तुम कर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। आप कहेंगे फिर तो फिर उल्टी शिक्षा होगी, अभी आप बोल रहे थे कि कुछ छोड़ना नहीं है और फिर कहते हैं सब कर्म छोड़ दो। तो यहाँ कर्मों को छोड़ने से तात्पर्य है कर्मों में जो हमारा कर्तापन का भाव है कि कुछ करते समय हम अपने को उसका कर्ता समझ बैठते हैं, इसे करना कहते हैं, ये कर्म है। साधारण कर्म जो हम लोग करते हैं, क्या मैंने तो आज ये सत्संग करवाया, मैंने तो आज यहाँ इतना बढ़िया व्याख्यान दिया, मैंने दिया, मैंने किया, तो जब मैंने किया तो भोगेगा कौन, और भोगने के लिए तो आना पड़ेगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब प्रकार के पापों से, सिर्फ पाप ही नहीं पुण्य भी बंधन होता है। एक लोहे की जंजीर और एक सोने की जंजीर, अगर हमको कोई सोने की बेड़ियां बेड़ियों से बांध के रख दे दिन भर तो हम खुश होंगे क्या, एक 7 तोले की चेन मिल जाए तो बड़े खुश हो जाएंगे गले में लगाने के लिए। लेकिन अगर 50 किलो के की या 100 क्विंटल के सोने की जंजीर से कोई हमें बांध के रख दे तो सोना भी हमें क्या लगेगा, नफरत हो जाएगी। तो पुण्य भी बंधन है, पाप भी बंधन है, कर्म ही बंधन है। कौन सा कर्म, इस कर्म को आगे कर्मों की बात आई है, एक को कहा कर्म, एक को कहा विकर्म और एक को कहा अकर्म। और कहते हुए अंत में कहते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को कि अकर्मी बनो अर्जुन। अकर्मी मतलब कि कर्म करते हुए भी कर्तापन का भाव न हो। कर्म किया मैंने, किसे, समर्पण भाव से किया कि ये आपका कार्य है, मैंने, आपने मुझे निमित्त बना दिया, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तो तुम किया, मैं कुछ किया ना ही, जो कछु जो कभू कहूं कि मैं किया तुम ही में, तुम ही थे मुझे मान। क्या कहते हैं कि जो भी किया आप कर रहे हैं, अभी आपने सुना हमारे रण साहब ने सुनाया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, नाम मेरा भले ही हो रहा है, करने वाले आप हो। ये बोलने की गाने की बात नहीं है, जब ऐसा भाव हमारा अपना हो जाए कि कर्म करें और हम में यह एहसास भी न रहे कि मैंने कर्म किया, तो ऐसा सिर्फ उपदेश सुनने से या उन पर विचार करने से नहीं। अकर्मी, कर्म तो साधारण सभी करते हैं, विकर्म किसे कहते हैं, जो बुरे कर्म है, विपरीत कर्म है, न करने योग्य कर्म है, तो कर्म भी नहीं विकर्म भी नहीं, अकर्मी बन जाओ, कर्म करते हुए भी तुम उसके अधिकारी अपने को न समझो। ऐसी अवस्था कब आती है, तो कहा ऐसी अवस्था तभी आएगी जब हम साधना करेंगे। साधना में उसके अभी चर्चा का समय नहीं है, अगले बार कभी उस विषय को लेंगे कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते जो हमारी सुरत है अंदर के मंडलों में ऊपर उठती जाती है,
और उठते उठते जब वो कर्म मंडल का उत्क्रमण कर देती है, कर्म मंडल के परे चली जाती है। कर्म कहाँ तक होते हैं? कर्म मंडल कहाँ तक है? जहां तक गुण है। अगर गुण नहीं हो तो कर्म नहीं हो सकते। तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण जो है हमारे में सात्विक, हमसे सात्विक कर्म कराता है। सत्संग में आना सात्विक कर्म है। इस समय यदि आप सत्संग में सच में आए हैं और सुन रहे हैं ध्यान से, तो समझिए कि अभी आप पर सतोगुण हावी है। हर एक व्यक्ति के अंदर तीनों गुण होते हैं। जब जो गुण हावी होता है वैसे कर्म करवा देता है, और रजोगुण हो जाए तो अभी आए सत्संग में बड़े जोश के साथ और अचानक याद आ गया, अरे अरे वो काम तो रह गया ना, सत्संग तो फिर कराएंगे आर के सिंह साहब, तब आ जाएंगे, बोले आज चलते उधर वो काम निपटा दिया। संसार के काम में हाय काम हाय काम, जो चित्त में चंचलता उत्पन्न करे, ये राजसिक गुण है, रजोगुण है। और तमोगुण, न काम करेंगे न सत्संग करेंगे, चलो ना थोड़ा सो लेते हैं, बढ़िया क्या बनाया थोड़ा आज, एकदम मौसम बहुत बढ़िया है, कुछ बनाओ आज तीखा चटपटा चरपरा थोड़ा, और खाया और भर पेट आहा क्या बनाया, चाट चाट पूरा कंठ आकंठ भोजन ग्रहण किया और उसके बाद चले सो। तो ये जो कर्म है ये तमोगुण कर्म है। और हमारे आप दिन भर में हम लोग जितने कर्म करते हैं और करिए, किसी न किसी गुण से होते हैं। या तो हम तामसिक कर्म करते हैं, या राजसिक कर्म करते हैं, या सात्विक कर्म करते हैं। अर्थात यदि हम कर्म मंडल को पार करना चाहते हैं तो गुण मंडल को पार करना होगा। और गुण मंडल कहाँ तक है? तो कहा कि ये जो जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, ये गुणमयी है, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। अगर हम जड़ प्रकृति को पार करके चेतन प्रकृति में चले जाएंगे तो हम कर्म और गुण मंडल से ऊपर उठ जाएंगे, तब हमारे किए हुए कर्मों का फल हम पर लागू नहीं होगा। इसलिए एक मेरी शरण में, यानी परमात्मा की शरण में अगर हम चले जाएंगे तो कब जाना होगा? परमात्मा है कहाँ? तो कहा प्रकृति पार, प्रकृति के पार में प्रभु हैं, उनके पास जाएंगे प्रकृति पीछे छूट जाएगी। और प्रकृति पीछे छूट जाएगी, कर्म मंडल पीछे छूट जाएगा, तो कर्म हम पर न होंगे, न कर्म का फल हम पर लागू होगा। और तब ये जो कुहियतम कहा ना, यही गुहियता है कि धर्मों को छोड़ना अर्थात कर्मों को छोड़ना होगा। और कर्मों को छोड़ना सिर्फ सोचने से, विचारने से, इंटेलेक्चुअल काउंसलिंग से, अपने को समझाने से नहीं होगा। ये इसके लिए अंतः साधना करते हुए सच में अपने को कर्म मंडल से ऊपर उठाना होगा। और ऐसे जो संत महापुरुष होते हैं वो कर्मों से ऊपर उठे, हमको लगता है कि वो कर्म कर रहे हैं लेकिन उससे कोई कर्म होता नहीं। तो ये जो आदर्श है उसके लिए जो निश्चित क्रियाएं हैं वो सीखनी पड़ेंगी और उनका अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत सुंदर संयोग है कि अब से बस कुछ ही दिनों के बाद, यानी ये देखिए अभी चार शनिवार मैंने कहा विशेष संयोग बने और पांचवा भी बनने जा रहा है, क्योंकि जो अगला शनिवार लगातार ये सिलसिला चालू है, जो पांचवा शनिवार है अगला, यानी 2 फरवरी, उस दिन जो पिछले 12 वर्षों से हमारे चंद्रपुर में पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज पधार रहे हैं, जिनसे आज करीब यहाँ पर चंद्रपुर में 50-60 लोग दीक्षित हो चुके हैं, वो इस बार फिर आ रहे हैं 31 तारीख की दोपहर में यहाँ पर आ रहे हैं, और 1-2-3 तारीख को उनका चंद्रपुर में आपके ही WCL के दुर्गापुर की जो शक्ति नगर कॉलोनी है उसके ऑडिटोरियम में 1-2-3 को सुबह और शाम, सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे और संध्या 6:30 बजे से 8:30 बजे सत्संग हो रहा है। ये 13वां वार्षिक सत्संग होने जा रहा है। और जो अगला शनिवार है अर्थात 2 फरवरी, वो पूज्य अच्युतानंद बाबा की 92वीं जयंती, इसलिए मैंने कहा एक और शनिवार विशेष होने जा रहा है। उस दिन 91 वर्ष पूरे करेंगे बाबा, और 2 तारीख को 92 के हो जाएंगे। तो आप सबों से अनुरोध है कि जिनको जहाँ से इतने सुंदर हमारे, देखिए आपके सिर्फ ये सांसारिक नेता नहीं है, आध्यात्मिक नेता भी जो बड़ी शांति से और विनम्रता से बैठे रहते हैं और मधुर
भाषा में मृदुल भाषा में गायन करते हैं, लेकिन वो अपने क्षेत्र में तो कर्मठ नहीं, अध्यात्म में भी उतने ही अंदर तक गहरे पगे हुए हैं। तो उनका नेतृत्व तो मिला है, अगर आप लोग जाना चाहेंगे तो उन सब के लिए उचित व्यवस्था भी हो जाएगी। उनसे भी मैं आग्रह करूंगा और उनके अंदर में आप कार्यरत आप सब लोगों से अनुरोध है कि जिनको समय मिले एक दो तीन दिन, दो दिनों वहाँ पर प्रसाद साहब हैं सर, आप लोग वहाँ पर जरूर आए राणा साहब, और 2 तारीख को तो अवश्य आए क्योंकि उस दिन उनकी जयंती है और उस दिन हम लोग मिलजुल कर एक और विशेष शनिवार सत्संग करेंगे। तो आप सबों से एक बार पुनः आप सबों को आमंत्रण है कि जरूर 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 आए 1, 2, 3 फरवरी। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज।